भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम वो योजनाएं चलाई जाती हैं जो गांव के विकास में सहायक होती हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री से नीचे के अधिकारी हैं, वो गांव के विकास में पलीता लगाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही एक गांव में हम आ पहुंचे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली का गोकलपुर ये गांव है और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधान सोनू पहलवान जी। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार किस तरीके से जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे फिर दिल्ली सरकार हो, किस तरीके से इस गोकलपुर गांव को अनदेखा कर रही है। आइए, हमारे साथ सोनू पहलवान जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे। ग्राम प्रधान सोनू पहलवान। हाँ सोनू जी, यदि बात करें जाए, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, कितना पुराना ये गाँव है? 500 साल से ज़्यादा का इतिहास है इस गाँव का, पौराणिक गाँव है और कागजों में भी, इतिहास में भी इस गांव का नाम है। महाभारत काल से गांव के नाम को जाना जाता है। लेकिन गांव की अनदेखी जिस तरीके से हो रही है, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और एक दावे के साथ सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात रखना चाहता हूं कि गांव की पहचान को मिटाने की जो साजिश की जा रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि PWD का एक भी बोर्ड आप किसी भी रोड पर या किसी भी चौक पर कहीं पर भी देख लीजिए, वो अन्य कॉलोनियों के नाम पर जरूर है लेकिन गांव गोकलपुर, जो कि दो राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित है, दिल्ली कानपुर और दिल्ली सारंगपुर, पूरा गांव दोनों नेशनल हाईवे पर स्थित है, उसके बावजूद भी कहीं भी एक भी साइन बोर्ड गांव गोकलपुर का नहीं है। तो ये साजिश है गाँव के नाम को मिटा के अन्य जो कॉलोनियाँ बाद में बसाई गई हैं, जिन कॉलोनियों का इतिहास 50 साल 40 साल 100 साल की पुरानी कोई कॉलोनी नहीं है, 50 साल 40 साल की जो कॉलोनियाँ उनके नाम के आज जाना जाता है क्षेत्र को। हमारे गांव में अगर हम आज कैब का ज़माना है, आज हर आदमी ये सोचता है कि एक चार लोग हैं तो एक कैब करके जाएं, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, लोगों पे जेब खर्च नहीं चल पाते, तो कैब अगर हम यहाँ पर बुलाने का प्रयास करते हैं तो कैब हमारे यहाँ पर नहीं आती, वो आती है या तो मीत नगर या आती है गोकलपुरी। तो उन लोगों को फिर हमें फ़ोन पर कन्वर्सेशन करके हमें उन्हें ये बताना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, इस रोड पर हैं, वो तब यहाँ पर आते हैं। आए दिन यदि मेट्रो की बात करी जाए, आए दिन आप अखबारों में भी लिखते रहते हैं, चैनल के माध्यम से भी, और गांव के लोगों का भी ये कहना है कि जो गोकलपुर का ये जो गांव है, इसके यहाँ जो मेट्रो बनाई है वो गोकलपुरी के नाम से बनाई गई है और जो कैब करते हैं वो गोकलपुरी के नाम से आती है, तो गोकलपुर गाँव को अनदेखा किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, गाँव जब इसकी नींव खुदी थी मेट्रो की, तभी से हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी और उसमें हमने ये लिखा था कि हमारे गांव के आप इतने बड़ी ज़मीन का हिस्सा मेट्रो में ले रहे हैं तो कम से कम प्रयास करें कि जो गांव में मेट्रो स्टेशन बन रहा है निर्माणधीन, उसका नाम गांव गोकलपुर के नाम पर हो। अगर आप गांव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ गोकलपुर कर दीजिए। लेकिन फिर मैंने RTI लगाई जिसके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसका नाम गोकलपुरी रखा जा चुका है। उसके बाद हमने 2016 में एक धरना प्रदर्शन किया 5,000 लोगों की संख्या में GT रोड पर। गोपाल राय जी के प्रतिनिधि और मेट्रो के प्रतिनिधि ने आके हमें आश्वासन दिया और उस धरने को वहाँ से हटवाया गया कि आपका जो मांग है उसको हम पूरी करते हैं और गोकलपुर नाम ही इसका रखा जाएगा क्योंकि ये गांव गोकलपुर में बन रहा है। उसके बाद हम MD से भी मिले मेट्रो के, और भी सारे प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह सबसे मिले, गांव के सिजरे नक्शे हमने उनको सब चीज़ें दिखाई, सारे कागज़ दिखाए, वो सभी लोग इस पर एग्री हैं कि नाम गोकलपुर होना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस साजिश के तहत आज तक भी इवन मेट्रो की साइट पर गांव गोकलपुर आ गया था, मेरे फेसबुक पे वो मैंने डाले हुए हैं पिक्स, गूगल मैप पे गोकलपुर आ गया था, विकिपीडिया पे गोकलपुर आ गया था, लेकिन पता नहीं किस साजिश या किस कारणों से आज भी उसका नाम गोकलपुरी है, जिसके लिए अभी हम पीछे मुख्यमंत्री से भी मिल गए हैं, निरंतर हमारा प्रयास जारी है और जब तक इसका नाम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि मेरा मकान है और आप अपनी नेम प्लेट लगा दें तो ये गलत है कानूनी रूप से भी, तो कोर्ट के लिए हमने बोला है कि अगर आप नहीं रखेंगे तो आखिरी रास्ता कोर्ट का है, हम फिर मेट्रो को पार्टी बना के कोर्ट में जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री की कई योजनाएं चल रही हैं, गांव बचाओ देश बचाओ ये नारा काफ़ी मशहूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गांव को अनदेखी करी जा रही है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उन्हें अधिकारी पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहें? प्रधानमंत्री की गांव बचाओ देश बचाओ मुहिम से ही प्रेरणा लेकर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, हमारा गाँव हमारी पहचान, जिसके अंतर्गत हम तमाम अधिकारियों से, प्रशासनिक और सामाजिक सभी से मिले। आज भी मैं आपको अगर गांव का दौरा कराऊँ या आप अभी जाएंगे तो निकल के देखना, जितने भी वायर्स हैं खंभों पे जो हैं वो जली हुई हैं, कटी हुई हैं, जब बारिश होती है तो करंट ज़मीनों पर आ जाता है, 2-3 बार गाय भैंस ऐसे भी हादसे हुए हैं जो बारिश के टाइम पे गई हैं,
बहुत बार हम लिखित रूप में कंप्लेंट दे चुके हैं। अगर एक स्ट्रीट लाइट ख़राब होती है हमारे गांव में तो उसके लिए हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी परेशानी के अधिकारी को फ़ोन किया और वो सही होगी, उसके लिए बहुत लंबा समय जाता है। अब कारण चाहे कुछ भी रहे हों, क्योंकि हम तो देखो आम आदमी हैं, हमें सरकार के इन कारणों से मतलब नहीं है। हम लोग 5 साल के लिए चुनते हैं, लोग कहते हैं जी फंड नहीं आ रहा, केंद्र सरकार नहीं दे रही, राज्य सरकार नहीं दे रही, तो उस चीज़ से आम आदमी ऊपर है, हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं। हमारी बुनियादी सुविधाएँ हैं, गाँव का पार्क है, उसमें नशेड़ी लोग घूमते रहते हैं, बीच में 2-3 मर्डर भी हुए, हादसे भी हुए। अगर हमारी बहन बेटियां उस पार्क में नहीं घूम पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं खेल पाएंगे, तो उस पार्क का क्या इस्तेमाल है। तो गांव को बहुत अनदेखी की जा रही है सुविधा के नाम पर। आज भी गांव गोकलपुर में मैं मानता हूं कुछ भी नहीं। क्या कहना है कि यदि मेट्रो का नाम ये नहीं गोकलपुर रखा गया तो आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी, और किन किन लोगों से आपने ये अप्रोच लगाई और किन किन लोगों से मिले, क्या आश्वासन दिया गया? अगर बात करें मल्टीमीडिया की तो जी मेल के थ्रू मैंने प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री में जितने भी लोग हैं, चाहे परिवहन मंत्री हों, नेमिंग कमेटी के जो लोग हैं, सभी को मैंने, वेंकैया नायडू उस टाइम हुआ करते थे परिवहन मंत्री केंद्र में, उनको भी मैंने मेल की, कोरियर भी किए हैं जिनके मेरे पास जवाब आए हुए हैं। लेकिन दुखद ये है कि उनकी तरफ से कोई भी हमारे पास लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं आया। दिल्ली सरकार के जहाँ तक हैं, गोपाल राय जी परिवहन मंत्री थे तब हमारा धरना हुआ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। अब सत्येंद्र जैन जी से भी हमने लिखित रूप में दिया, मुख्यमंत्री जी से हम 2 बार स्वयं मिल चुके हैं, अभी कल हम लोग मिलकर आए समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी से। आश्वासन सभी लोग देते हैं, मेट्रो के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक नाम, अगर आप हमारी इतनी बड़ी गाँव का हिस्सा ले रहे हैं, आज अगर गाँव में मेट्रो स्टेशन बनता है तो हमारा गांव आने वाले समय में जीवित रहेगा, जो मेन चीज़ है। मुझसे लोग ये पूछते हैं कि गोकलपुरी रहने से क्या फ़र्क है, हमें फ़र्क नाम की लड़ाई नहीं है, गांव के अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। अगर इसका नाम गोकलपुर रहेगा तो गांव आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां ये कह सकेंगी हाँ हमारा गांव गोकलपुर है। और अगर ये नाम गोकलपुरी हो गया तो मैं वादा करता हूँ हमारे वाली पीढ़ी ये कहेगी कभी हमारा गांव गोकलपुर हुआ करता था, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी हमारे नेम प्लेट पर भी गोकलपुर लिखना। तो मेरी सरकार से सिर्फ यही है कि आप संस्कृति और कल्चर बचाने की, ट्रेडिशन बचाने की बात करते हैं, तो कम से कम जब गांव नहीं रहेंगे, गांव शब्द मिट जाएगा, तो आप लोग कहां से संस्कृति बचाने की बात करते हैं। ये थे हमारे साथ गोकलपुर गांव के ग्राम प्रधान सोनू पहलवान जी। इनका कहना है कि केवल नाम के उस पर है, अस्तित्व बचाना है। जिस तरीके से जो है सरकार ने गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन किया है, 500 साल पुराना ये गांव है और गोकलपुर गांव होना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है वो गोकलपुरी के नाम से जानी जाएगी, जिसके लिए ये इन्होंने काफ़ी लड़ाई भी लड़ी है और कई जगह सरकारों से इन्होंने मिले भी हैं ये, लेकिन इनको कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन महेश के साथ रविंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ दिल्ली।